पूरे देश में जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा है, जिसमें अजमेर ज़िले में भी विभिन्न दिनों पे अलग अलग कार्यक्रम किए गए, चाहे स्वच्छता को लेकर श्रमदान की एक्टिविटी हो, या जो हमारे स्वच्छकर्मी हैं उनके लिए कैंप्स लगाना, या अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी, जिससे स्वच्छता का एक संदेश जा सके। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स और CTUs भी आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको टर्न अराउंड किया जा रहा है और 2 अक्टूबर तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो। उसी के क्रम में आज अपने अपने कार्यालय में सभी को हमने लक्ष्य दिया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर और नीचे के स्तर तक जो भी कार्यालय हैं पूरे ज़िले में, उसमें आज विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, ना सिर्फ कैंपस और उसके आसपास बाहर की सफाई की जाए, बट अपने अपने कक्ष में भी सभी अधिकारी कर्मचारी देखें और जो भी अगर कोई रद्दी है, कोई डिस्पोज होने लायक चीज़ उसको डिस्पोज करें, एक स्वच्छ माहौल रहे, ताकि जो भी आते हैं खुद भी यहाँ काम करते हैं, अन्य लोग भी जो आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ मिले। उसी क्रम में आज जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने शुरुआत की है, मैं और SP साहब और पूरी टीम हमारी साथ में, और हम पूरा कैंपस आज अपना बाहर से भी क्लीन करेंगे और पूरा दिन लग के अंदर भी हम अपने अपने कब्जे को साफ करेंगे। जो भी मैसेज देना था, देखिए जैसे कि कलेक्टर साहब ने अभी बताया, ये स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंदर हर जगह पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक मैसेज देना और अपने कार्यालय की सफाई से शुरुआत करना, ये एक इस इंटेंशन के साथ आज ये कार्यक्रम किया गया है। पूरी प्रशासन की टीम के साथ मिलकर पूरी पुलिस की टीम ने अभी बाहर की सफाई जारी है और अब पूरे दिन जो है वो कार्यालय के अंदर की सफाई होगी, और कल हमारे सभी थानों में और पुलिस लाइन में भी सफाई का अभियान जो है वो इसी प्रकार से चलेगा। और संदेश सभी को यही है कि अगर हम पूरे देश को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो हर आदमी को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी देश में जो स्वच्छता है वो एक आदत बनकर और पूरी तरीके से एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बन सकता है। इसमें सभी के सहयोग के लिए मैं अपील करती हूँ। अभियान है, क्या मकसद है? पूरे देश में जो 17 सितंबर से लेकर और 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन चल रहा है, जिसमें अजमेर ज़िले में भी विभिन्न दिनों पे अलग अलग कार्यक्रम किए गए, चाहे स्वच्छता को लेकर श्रमदान की एक्टिविटी हो, या जो हमारे स्वच्छकर्मी हैं उनके लिए कैंप्स लगाना, या अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी, जिससे स्वच्छता का एक संदेश जा सके। इसके अलावा ब्लैक स्पॉट्स और CTUs भी आइडेंटिफाई किए गए थे, जिनको टर्न अराउंड किया जा रहा है और 2 अक्टूबर तक उनकी स्थिति बहुत बेहतर हो। उसी के क्रम में आज अपने अपने कार्यालय में सभी को हमने लक्ष्य दिया था कि जिला कलेक्टर कार्यालय से लेकर और नीचे के स्तर तक जो भी कार्यालय हैं पूरे ज़िले में, उसमें आज विशेष सफाई अभियान चलाया जाए, ना सिर्फ कैंपस और उसके आसपास बाहर की सफाई की जाए, बट अपने अपने कक्ष में भी सभी अधिकारी कर्मचारी देखें और जो भी अगर कोई रद्दी है, कोई डिस्पोज होने लायक चीज़ उसको डिस्पोज करें, एक स्वच्छ माहौल रहे, ताकि जो भी आते हैं खुद भी यहाँ काम करते हैं, अन्य लोग भी जो आते हैं उनको एक अच्छा माहौल यहाँ मिले। उसी क्रम में आज जिला कलेक्टर कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हमने शुरुआत की है, मैं और SP साहब और पूरी टीम हमारी साथ में, और हम पूरा कैंपस आज अपना बाहर से भी क्लीन करेंगे और पूरा दिन लग के अंदर भी हम अपने अपने कब्जे को साफ करेंगे। जो भी अगर कोई रद्दी है तो उसको डिस्पोज करेंगे, जो नियमानुसार डिस्पोज हो सकती है उसको डिस्पोज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।